गाइस, मैं हूँ प्रवीकुर संधू और आज मैं अपने किचन में आपको लाई हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे नारियल की पिन्निया, जो कि अब मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी जा रही है, तो बच्चे पिन्निया मांग रहे थे क्योंकि जो मैंने पहले बनाई थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो फिर मैंने ये सोचा कि कुछ और ज़्यादा डालने की बजाय कच्चा नारियल डालकर बना लेती हूँ। इसके लिए हमें क्या चाहिए, मैंने दो बड़े नारियल थे वो मैंने ग्राइंड कर लिए, ये कच्चा नारियल है, पका हुआ नहीं है। और ये मैंने काजू लिए हैं, उनका पाउडर लिया है, ग्राइंड किया है, और ये ऑप्शनल है, डालने हैं तो डालो, आपकी मर्जी है। ये मगज, और ये देसी घी है, ये शक्कर है, ये मेरी 250 ग्राम सूजी है, और इतना ही ये मेरा मिक्स आटा है। मिक्स इसमें क्या मिला हुआ है, बाजरे का आटा है, जौ का है, सोयाबीन का है, और बेसन, वो जो चने का आटा होता है, यानी छिलके समेत जो आटा होता है वो वाला, चार आटे हैं। और मैंने कढ़ाई रख दी है, इसके गैस जला दी है नीचे, तो अब मैं सिर्फ बेसन को भूनने के लिए मैं घी डालूंगी, बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो मैं बिना घी के भूनूंगी। तो अब मैं घी डालने लगी हूँ, देखिएगा ये मैं घी डाल चुकी हूँ, और अब इसमें 250 ग्राम के करीब मैं बेसन डालूंगी। ये बेसन मैं डाल चुकी हूँ और इसकी भुनाई है जो शुरू हो गई है, अब इसको अच्छे से गोल्डन होने तक मैं भूनूंगी। और फिर जो बाकी आटे हैं, जैसे सूजी है और जो मेरा मिक्स आटा है, वो मैंने बिना घी से भूनना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती। जो कच्चा नारियल है उसमें अपने ही काफ़ी ऑयल है इसलिए, और फिर काजू भी डालने हैं। तो अगर मान लो कि आपको इस लड्डू बनाने में दिक्कत आती है तो थोड़ा सा अच्छे से पानी उबाल कर, क्योंकि आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने चाशनी बनानी है बना लें, अगर आप वैसे ही सूखी शक्कर डाल दें इसमें तो भी बड़ी अच्छी पिन्निया बनेगी। थोड़ा सा पानी का तरौका दे लीजिएगा, ऐसे थोड़ा छिड़क लीजिएगा पानी, मगर पानी पका हुआ ना चाहिए, कच्चा पानी नहीं छिड़कना। बेसन भूनते वक्त ये ख़ास ध्यान रखना है कि ये जो मध्यम आंच है उस पर भूनना, नहीं तो ये जल जाएगा और इसका स्वाद ख़राब हो जाएगा पिन्नियों का। थोड़ा मेहनत का काम है, लेकिन आपको तो पता है हम औरतें होती मेहनती हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बस क्योंकि अगर आप कोई चीज़ बनाएं और उसका स्वाद ही ना आए तो फ़ायदा क्या। बेसन हमारा भुन चुका है तो अब मैं कर दूंगी आंच बंद नीचे से, और इसको शिफ्ट कर लूंगी बड़े बर्तन में जिसमें मैंने सारा मटेरियल मिक्स करना है, सब यानी कि सब कुछ मिक्स करना है परात बड़ी में। ये मैंने परात में निकाल लिया है और मैंने कढ़ाई अच्छे से साफ़ कर ली है, अब इसमें मैं भूनूंगी सूजी। ये देखिए सूजी मैं बिना घी के भून रही हूँ। इसके लिए मैंने जो ये कढ़ाई है इसको अच्छे से, जो किचन टॉवल्स होते हैं पेपर के, उससे अच्छे से क्लीन कर लिया, क्योंकि अगर घी लगा रहता तो ये सूजी उससे चिपक जानी थी। इसको एकदम ड्राई कर लिया था मैंने कढ़ाई को। सूजी को बिना घी के भूनना बहुत आसान है, लेकिन बेसन को थोड़ी प्रॉब्लम आती है, उसमें गांठें पड़ जाती हैं। सूजी हमारी भुन रही है। मैंने आपको ये कहना था कि ये आपकी मर्ज़ी है कि अगर आपको सूखी नहीं भूननी आप घी भी डाल सकते हैं, वो इट्स टोटली अप टू यू। एक्चुअली जो घी है और जो शक्कर है वो आप पे डिपेंड करती है कि आपने कितनी खाना। हम कम घी खाते हैं इसलिए मैंने कम घी डाला, और जो ज़्यादा खाते हैं वो ज़्यादा डाल लें, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जितना मैंने ये लिया है, ये सूजी और ये बेसन वगैरह, आप ज़्यादा लेना चाहते हैं आप ज़्यादा ले लें। मैं तो सिर्फ आपको एक मेथड बता रही हूँ कि इस तरह बनती हैं ये पिन्निया, समर, जिनको समर पिन्निया बोलते हैं। ये देखिए सूजी हमारी भून चुकी है और मैंने इसको बड़े उसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है जहाँ पर मैंने बेसन को ट्रांसफ़र किया था। अब बारी है मिक्स आटे की। इसमें मैंने थोड़ा सा आधी कटोरी के करीब गेहूं का आटा भी मिला लिया है, और यकीन मानिए फ्रेंड्स ये बहुत ही स्वादिष्ट पिन्निया बनती हैं। कुछ खास ज़्यादा मेहनत नहीं, बस भूनने में टाइम लगता है, तो आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये।
और मेरी वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी आपको कम लगेगी क्योंकि मैं एक हाथ से काम करती हूँ और एक हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ा है, वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा अगर थोड़ी हिलती है तो। ये आटा भून कर भी मैंने उसी परात में डाल लिया जिसमें बेसन और सूजी डाली है, और ये आटा भी मैंने बिना घी के भूना है। तो अब मैं सारा कुछ इसमें मिक्स कर दूँगी, नारियल और जो सब कुछ मैंने रखा है जैसे काजू का बुरादा है और शक्कर भी। शक्कर भी आप अपने हिसाब से डालें, अगर आपने ज़्यादा मीठा खाना है तो ज़्यादा डाल लें, ठीक है। ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने सारा कुछ मिक्स कर लिया है। इसमें दो बड़ी कटोरी मैंने शक्कर की डाली है और थोड़ा सा मैंने पानी का तरोंका लगाया है क्योंकि मैंने घी कम डाला था। अगर आपका घी ज़्यादा होगा तो वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं इसकी बनाऊँगी पिन्निया, तो देखिएगा, देखें बड़ी अच्छी पिन्नी बन रही है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने बड़ी बनानी है कि छोटी बनानी है। छोटी पिन्नियाँ छोटे बच्चों के लिए बना लें और बड़ी बड़ों बच्चों बड़े बच्चों के लिए। तो मैं आपको सारी पिन्नियाँ बनाकर दिखाती हूँ। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार हैं पिन्नियाँ, समर स्पेशल पिन्नियाँ। जैसे कि होली आ रही है तो होली के त्यौहार पर ये स्पेशल पिन्नियाँ घर पे बनाएं और बच्चों को और बड़ों को खुश करें। आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।